प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे और लगभग 3:30 बजे वो वहां से निकले। उनकी उम्र है 73 ईयर्स और आज वो धनबाद, बंगाल, बिहार के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं और पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टॉप मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स आप सोच सकते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हुए या हिमंत बिस्वा सरमा हुए, सबके सब लगभग 4 बजे तक भाजपा हेडक्वार्टर्स में मुख्यालय में मौजूद थे। और उससे पहले 4 घंटे तक इंतजार करते रहे तो अगले जी ये भी तो सवाल होगा ना कि एक पार्टी जो अभी फॉर्मली पोल पोजिशन पे दिख रही है वो 3 बजे तक क्यों बैठक कर रही है और 11 बजे क्यों शुरू किया, उन्होंने पहले भी कर सकते थे। देखिए इसमें कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों को फाइनल करना चाहती है। आप खुद देखिए कि जब 15 राज्यों की बात हो रही हो और जब उसमें कुछ 34 भी हैं, तो उसमें आपको जब एक एक सीट का आपको हिसाब करना है तो हर लोकसभा सांसद जो है वहां पर उसकी परफॉर्मेंस आपको देखनी है, फिर आपको ये तय करना है कि अगर आपको उसको नहीं देना तो फिर आपको किसको देना है, जाति समीकरण फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, या अगर हम बाहर से किसी को लाए हैं उसे टिकट देते तो हमारे लोग कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं बगावत तो नहीं हो जाएगी, कोई महिला अगर योग्य है तो आप उसको दें या उसको ना दें ये भी आपको तय करना है, अगर आपको युवा को देना है तो किस नए चेहरे पर दाव लगाया जाए, ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के इतनी लंबी कवायदी चली है। क्योंकि अगर एक राज्य का मामला होता तो समझ में आता है कि चलिए आप आधे घंटे 2 घंटे में निपटा दें, यहाँ लोकसभा चुनाव की बात हो रही है वो भी 15 राज्यों की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इतना समय तो लगना ही है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, यूपी 80 सीटें आती है लेकिन कल की बैठक में केवल 20 मिनट, क्योंकि इससे पहले काफी डिस्कशन हो चुका है, पहले सारा डिस्कशन हो चुका है। और जो कल बैठक हुई है जब जिसमें योगी आदित्यनाथ और बाकी दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य नेता मौजूद थे, केवल 20 मिनट यूपी के नामों पर चर्चा हुई क्योंकि सारी कवायद सारी एक्सरसाइज पहले ही पूरी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ज्यादा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज ये जो दोनों क्षेत्र हैं इनके उम्मीदवारों को अभी चयन करने की बात हो रही है। लेकिन अगले जो सवाल तो ये होगा ना कि ये जो ऑलमोस्ट एक तरीका मीटिंग्स का, दिन भर सरकार चलाना, पब्लिक मीटिंग्स करना और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी डिसाइड करना, तो भाजपा अगर ये करती है तो इतना डेडिकेशन क्यों करना पड़ रहा है? ये 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि वो 24/7 वो छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाते नहीं है या उनकी विदेश यात्रा है कि चलिए परिवार के साथ घूमने चले गए, ऐसा कुछ है नहीं। बीच में कहीं चले गए या पार्लियामेंट में नहीं आना, उस तरह की बात उनके साथ होती नहीं, तो वो सारा पूरे समय 24 घंटे वो उसी में लगे रहते हैं, वो चाहे राजनीति हो चाहे अपना सरकार चलाना हो, ये सारी बातें एक साथ चलती रहती है। और पीएम मोदी के बारे में तो हम लगातार रिपोर्ट करते ही आए कि किस तरह से वो कितने हार्डवर्किंग है और लगातार वो बिना रुके बिना थके लगातार काम करते आए। तो आप जो बता रही हैं सुबह 3:15 बजे तक वो मीटिंग में रहे, उसके बाद सुबह सुबह ही वो चले गए, 8 बजे मौजूद थे, 8:30-9 बजे वहां चले गए, तो उन्हें कब तो सोए होंगे और कब उन्होंने विश्राम किया होगा अभी देख लीजिए, तो इससे समझ में आता है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो आप सवाल पूछ रही हो, जो उसके पीछे की बात आप जानना चाह रही हो, ये कि इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है अगर आपको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो बीजेपी हर चुनाव में कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का, वो हर चुनाव पूरी शिद्दत के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ती है। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते, तो फिर बीजेपी कोई जोखिम मोल नहीं लेगी, इसलिए एक एक सीट पर बहुत बारीकी के साथ पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और ये जो है लेट नाइट मीटिंग्स का जो सिस्टम था, अखिलेश जी हमको याद है कि गुजरात चुनाव माना जा रहा था कि भाजपा जीतेगी, लेकिन वहां भी अमित शाह जी 2 बजे तक मौजूद रहते थे गांधीनगर कार्यालय में, क्योंकि मैसेज उनको देना था कि हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से हिस्टोरिक विक्ट्री हुई। उसी तरह से अगर आपको याद होगा 2019 के चुनाव में सब लोग बोल रहा था कि प्रधानमंत्री कितना दिन इतना दिन अपने वाराणसी में क्यों गुजार रहे हैं, तो फिनिशिंग लाइन का जो पुश होता है वो बताइए उसके बारे में। क्योंकि मार्जिन आपको बढ़ाना है, आपको वोट परसेंटेज अपना बढ़ाना है, टारगेट जब आप बड़ा लेकर के चलते हैं, इस बार टारगेट देखिए 370 का टारगेट है। राजीव गांधी के बाद से आज तक किसी भी पार्टी ने लोकसभा में इतनी सीटें नहीं जीती जितना बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। तो अगर आपका टारगेट बड़ा है, अगर आप ये कहते हैं कि आपको 50% वोट हासिल करना है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट भी नहीं मिले, तो 48% वोट कांग्रेस को 84 के चुनाव में मिले थे, उससे ऊपर कभी कोई पार्टी गई नहीं, तो 50% वोट का आप टारगेट ले रहे हैं, 370 सीटों का टारगेट ले रहे हैं, तो मेहनत तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और इसीलिए यही कारण है आप जो बात कह रही थी मुझे कोरोना की याद है,
कोरोना के टाइम पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय अमित शाह वहां पर जा नहीं पा रहे थे बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे, पब्लिक मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, दुनिया भर की बात थी, तो भी रात को दो दो तीन तीन बजे तक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। तो ये तो मेहनत करने में तो इन दोनों का और ये मोटिवेशन टॉप से आ रहा है। आप सोचिए अमित शाह और अगर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के 24 घंटे में 21 घंटे काम कर रहे हैं तो ज्यादा जाहिर सी बात है बाकी सब जो इतने वर्कर्स हैं वो भी मोटिवेटेड होंगे। वो मोटिवेटेड होते हैं और उनको लगता है जब हमारे नेता इतना काम करें इतनी मेहनत करें तो हम क्यों ना करें। और आप जानते हैं कि वो हर व्यक्ति के लिए, वो चाहे कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, सबके लिए कोई ना कोई टारगेट सेट करते हैं, कोई ना कोई टास्क देते हैं। तो टास्क क्या दिया पीएम मोदी ने कि अगर आपको 370 सीटें जीतनी है तो आपको अपने बूथ पर 370 वोट बीजेपी के बढ़ाना है। वो सिंपल सी बात सुनने में लगती है लेकिन बहुत उसका भी कितना बड़ा उसका मैसेज जाता है कि अगर आप 370 वोट बढ़ा देंगे तो अपने आप हर जगह वोट बीजेपी का बढ़ता हुआ जाएगा। तो 370 भी मतलब उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया होगा। 370 का तो खैर वो अनुच्छेद 370 हटाया उससे संबंध है लेकिन टारगेट वो सेट कर दिया। और जो 3 बजे तक मीटिंग चली और ये कुछ नया नहीं है, मतलब अगर आप देखें पार्टी में इस तरह का जो मीटिंग सीएसी जो बैठती है सुबह 4 बजे तक चल रही है और देर रात तक चर्चा हो रही है, सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी पार्टी कार्यालय में हैं, ये सब जो एक डिसिप्लिन का एक संकेत और ये भी दिखाता है कि किस तरह से वो अपना दिन भर सबने काम अपने निपटाए होंगे, जो भी उनके सरकारी काम रहे होंगे, फाइलें निपटाई होंगी, मंत्रालयों में अलग अलग गए होंगे, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए। और उससे पहले भी लगातार कवायद चलती रही, शनिवार को भी योगी आदित्यनाथ और तमाम जो यूपी के नेता है वो आए थे, जेपी नड्डा अमित शाह से मिल चुके हैं, बीएस संतोष से मिल चुके हैं और तब सारी सीटों का एक बार डिस्कशन हो चुका था, फिर कल एक बार नए सिरे से डिस्कशन किया गया। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से कितनी बड़ी एक्सरसाइज बीजेपी और 11:15 बजे जब मीटिंग चली तो शुरू हुई तो 20 मिनट सबसे पहले यूपी हुआ, उसके बाद फिर बंगाल हुआ, फिर मध्य प्रदेश हुआ, इसी तरह से मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरह से एक एक करके उत्तराखंड, सारे राज्य एक एक करके निपटे, केरल भी हुए, दक्षिण भारत राज्य भी हुए। और तो उसमें ये बताएं कि क्या कुछ बीच में चाय नाश्ता, क्योंकि जो सब नेता हैं वो बुजुर्ग भी हैं, मतलब एज भी है सबका, 60 से ऊपर है, तो किस तरह का प्रेपरेशन होता है? खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर रहती है और जिनको मान लो घर का खाना खाना है तो उनके लिए घर के खाने की भी व्यवस्था वहाँ पर हो जाती है, घर से लोग खाने भी आ जाते हैं। और साथ साथ जैसा आपने बताया कि हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें मौका मिला कि बीजेपी की जो लाइब्रेरी है वहाँ जाकर उनको बैठने का, क्योंकि समय था यहाँ तो 4 घंटे तक पीएम हाउस में ही बैठक चलती रही, उसके बाद जब उनके राज्य का नंबर आया होगा जाहिर सी बात तब उनको अंदर बुलाया गया होगा, तब तक वो क्या करे, तो लाइब्रेरी चले गए, वहां पर बैठ करके जो बीजेपी का अपना साहित्य वो उसको पढ़ने लगे। तो इस तरह से उनको वहां पर समय निकालना होता है, लेकिन ये बड़ा मौका होता है क्योंकि देखिए चुनाव समिति में आना और चुनाव समिति की बैठक में सारे नेता तो आ नहीं सकते, राज्य से गिने चुने लोग आते हैं, कोई मुख्य लोग आते हैं, तो उनको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठना और फिर चर्चा करके समझना कि अगर कोई निर्णय कर रहे हैं कि फला सीट पर हमें फला व्यक्ति को चुनना है, फला को नहीं चुनना है, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सब बातें जब सामने आती है तो वो भी कुछ कुछ चीजें सीख करके जाते हैं, जब बाद में वो जाएंगे अपने राज्यों में तो आगे उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये जो भाजपा है 24/7 वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे कोई ब्रेक्स का ऑप्शन नहीं होगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तो ये भी बात है अखिलेश जी कि उनका कहना है कि मैं इंडिया से बाहर क्यों जाऊं, क्योंकि वहां पे चुनाव लड़ना है क्या, ये बात वहाँ तो कोई वोट है नहीं, वहाँ कोई चुनाव लड़ना नहीं है तो हम बाहर क्यों जाए। लेकिन जो ब्रेक की बात आपने कही मुझे याद है कि ये जरूर अपवाद इसमें है कि जब ब्रेक मिला था वो गुजरात में मिला था, सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था दिवाली के टाइम पर कि आप 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, 3 दिन तक आप पार्टी का कोई काम मत करें, परिवार के साथ समय दें, लेकिन उसके बाद पूरा जो 24 घंटे और 7 दिन आपका समय है वो पार्टी के लिए चाहिए, क्योंकि तब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तो 3 दिन का ब्रेक उन्होंने अपनी ओर से कार्यकर्ताओं को दिया था, वो भी अपने आप में बड़ी राजनीति अनूठी बात थी कि आप कार्यकर्ताओं से कह रहे कि आप 3 दिन का ब्रेक ले लें, क्योंकि कार्यकर्ता ये कोई नौकरी तो है नहीं, कार्यकर्ता तो अपने जज्बे के साथ काम करता है, लेकिन उनको ये कहा गया कि नहीं 3 दिन तक आप पार्टी के बारे में भूल जाइए, कार्यक्रम के बारे में भूल जाइए, किसी कार्यक्रम में आपको नहीं आना, कोई कार्यक्रम नहीं होगा और आप 3 दिन छुट्टी लीजिए। चलिए, और अभी ये है कि बहुत सारी मीटिंग सीईसी की अभी होनी बाकी है और क्या पता वो मीटिंग 4 बजे या 5 बजे सुबह तक चले, तो हम लोग भाजपा के रिपोर्टर हैं, हम लोग का भी कोई वीकेंड नहीं होता, जब से 10 साल से तो नहीं हुआ चलिए अखिलेश जी थैंक यू सो मच।